मैं अपने लिए कुछ चांदी के आइटम्स लेके आई थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं क्या क्या लेकर आई हूँ वह मैं आपको अभी बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको पायल दिखा रही हूँ, देखिए चांदी में है, ये प्योर चांदी है और ये डिजाइन है इसकी। मैं नॉर्मली लेके आई हूँ, ज़्यादा हेवी में नहीं लेकर आई। मैं दो पायल की जोड़ी लाई हूँ मैं, एक तो ये और एक मैंने पहन रखी है, वो दिखाऊंगी अभी मैं आपको। एक ही डिजाइन है इसकी, इस तरह से ये इसमें इसकी। और एक मैं लेकर आई हूँ ये अपने लिए, ये चेन। देखिए चेन लेकर आई हूँ मैं, इस साइज में है। ये दो मैं ओम के पेंडल लेकर आई हूँ, मेरे बेटे के लिए और हस्बैंड के लिए। और ये चांदी में रिंग लेकर आई हूँ मैं, देखिए ऐसे दिखेगा, कैमरा फोकस नहीं करता, ये देखिए। इस डिजाइन में है, मैं पहन के दिखाती हूँ आपको। ये मैं चांदी में रिंग लेकर आई हूँ और इनकी डिजाइन है ना बहुत अच्छी है, मुझे पसंद आई तो मैं ये ले आई अपने लिए। और ये मैं मच्छी लेकर आई हूँ, ये देखिए इसकी डिजाइन। ये इस डिजाइन में है, और एक इस डिजाइन में ही है। ये डिजाइन है चांदी में ही है, ये एक ही डिजाइन है। मच्छी है ये मच्छी है जो अभी मैंने आपको दिखाई है। तो मैं बताती हूँ आपको कितनी है ये,
छह जोड़ी है मच्छी की। और ये चार रिंग है चांदी में जो अभी मैंने दिखाई है आपको, और एक मैंने ये पैन रखी है, और एक में ये मैंने पहन ली है पायल। इस डिजाइन में लेकर आई हूँ मैं सिंपल डेली यूज के लिए। इधर इसमें ये चेन है और ये मच्छी पहन ली मैंने, ये जो भी दिखाई है ये भी मैं लेकर आई थी इसी के साथ में, तो ये तो मैंने पहन ही डाल ली अभी। आज माता जी के नवरात्रे थे तो आज मैंने ये नई चेन और ये सॉरी नई पायल और ये मच्छी ये मैंने पहनी है आज। तो एक पायल की जोड़ी मेरी ये है और ये मच्छी, दो पायल लेकर आई हूँ मैं। तो मैं मार्केट से अपने लिए कुछ सूट लेके आई थी, तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ कि मैं कौन कौन से डिजाइन में सूट लेकर आई हूँ, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ यहाँ पर। तो एक तो ये सूट है, ये देखिए, ये इसका दुपट्टा है, इस तरह से। ये तो इसका दुपट्टा है और ये मैं कपड़े में कपड़ा लेकर आई हूँ सूट का, और ये इसकी डिजाइन है, ये ऑरेंज कलर में है और ये इसका प्रिंट है। डिजाइन इसकी अच्छी है और इसका जो दुपट्टा है ना, ये देखिए दुपट्टा मुझे इसका बहुत अच्छा लगा। उल्टा है ये, ये देखिए ये इसका दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा दुपट्टा है ये। तो ये कपड़ा है, कपड़ा लेकर आई हूँ मैं सूट का, और इसके अंदर ये सलवार है, इसके अंदर सलवार है और ये कॉटन के हैं, कॉटन में लाई हूँ मैं। ये नीचे इसके इस तरह से डिजाइन है, और ये पहला, और ये अब दूसरा दिखा रही हूँ मैं आपको। ये इसकी चुन्नी, इसका दुपट्टा ही ऐसा है, देखिए इसका दुपट्टा भी अच्छा है, खोल कर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से इसका दुपट्टा है ये, और ये भी बहुत अच्छा दुपट्टा है। और ये सूट मैं आपको दिखाती हूँ, इस कलर में मेरे पास में सूट नहीं था और मैंने पहना भी नहीं पहले कभी, तो ये मुझे अच्छा लगा, इस बार मैं ये लेकर आई हूँ, कलर अच्छा लगा मुझे ये। और इसके नीचे का ये बॉर्डर है, ये डिजाइन है इसके नीचे की सूट की, ये भी कपड़ा ही है सूट का, और ये इस तरह से है। और मैं इसको खोल कर दिखाती हूँ आपको, पैकिंग में ही है ये, मैंने खोले ही नहीं है, मुझे आपके साथ शेयर करना था इसलिए। तो ये देखिए इसके अंदर भी ये इसका नीचे की सलवार का कपड़ा है,
ये कॉटन में ही है ये भी, और इसकी बाजू देखिए, इस तरह से बनी हुई है इसी के अंदर बाजू, इस तरह से इसकी बाजू है। तो ये मुझे पसंद आया तो मैं लेकर आई है। ये दूसरा दो सूट दिखा दिए मैंने, और अब ये तीसरा सूट है। ये कलर देखिए कितना प्यारा है, कितना अच्छा कलर है ये। ये देखिए इसकी डिजाइन है ना कितनी प्यारी, कितनी अच्छी। ये इसका गला है और ये इसकी डिजाइन है, और कलर देखिए कितना प्यारा है इसका, और नीचे इसकी ये डिजाइन है, और ये भी कॉटन में ही है, और ये अंदर है इसकी सलवार। और ये देखिए इसका दुपट्टा कितना प्यारा दुपट्टा है इसका, ये देखिए। थोड़ा खोल कर दिखा देती हूँ मैं, ये देखिए बहुत ही प्यारा दुपट्टा है, कलर बहुत ही अच्छा है इसका। और एक ये मैं लेकर आई हूँ, तीन दिखा दिए तीन सूट मैंने। और ये देखिए ये अस्तर है इसका, ये अस्तर है शायद, या फिर नहीं, ये सलवार है नीचे की, सलवार का कपड़ा है ये, कॉटन में है ये। और ये देखिए सूट, ये नीचे किसकी डिजाइन है, ये देखिए। और ये अस्तर लगेगा इसके नीचे, मैं सिलवाऊंगी तब अस्तर लगवाऊंगी, अस्तर लग के फिर ये बनेगा ये सूट। तो बहुत ही प्यारा सूट है ये, इसके नीचे का बॉर्डर है, और इसका दुपट्टा देखिए आप, है ना कितना प्यारा। उल्टा है ये देखिए कितना प्यारा दुपट्टा है। बहुत प्यारा दुपट्टा है ये, चार सूट दिखा दिए मैंने, और एक सूट और है। ये भी कॉटन में ही है, और इसकी चुन्नी भी बहुत ही प्यारी है, ये देखिए इस तरह से इसकी चुन्नी है। बहुत
प्यारी चुन्नी है इसकी भी। और ये देखिए आप, ये इसके नीचे का बॉर्डर है, डिजाइन है ये, देखिए। कलर है ना अच्छा इसका, कैमरे में पता नहीं इसका कलर सही आ रहा है या नहीं, लेकिन कलर इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत पसंद आया। ये कलर भी मैंने पहले नहीं पहना है तो मैं लेकर आई हूँ, इस बार पहनूंगी मैं। और ये इसका गला है, ये देखिए, ये इसका गला है। तो मैं लाई हूँ 5 सूट, तो मैंने आपको ये 5 सूट मैंने दिखाए हैं आपको। और एक मैं लेकर आई थी, ये मैंने मैटर्स मंगवाया था तो उसके लिए मैंने उसका कवर मंगवाया है मैटर्स का। तो देखिए चेक में है, ये बहुत ही अच्छा कलर है, चेक में है और बहुत बढ़िया है, ये हैवी है काफ़ी, इसलिए मैं ऐसे दिखा रही हूँ आपको। कपड़ा अच्छा है इसका और कॉटन में ही है ये भी, देखिए। ये मैंने आपके साथ शेयर किया है अभी, और अभी नहीं सिलवाऊंगी मैं इनको, बाद में सिलवाऊंगी नवरात्रों के बाद में। तो ये मैंने शेयर किया है, और कैसे लगे आपको मेरे सूट मुझे कमेंट करके बताना। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने ये मैटर्स मंगवाया है और ये सफारी कंपनी का है और 10 साल की गारंटी है इसकी। ये फैलना दबना, इसमें गड्ढे पड़ना, ऐसा कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज ये मैटर्स मंगवाया, आज ही आया ये। मैटर्स की 10 साल की गारंटी कंपनी की, सफारी कंपनी की। यदि इसमें गड्ढे पड़ते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, तो पीस टू पीस रिप्लेस करके देगी कंपनी, चेंज करके देगी, दूसरा पीस देगी, नया पीस देगी कोई प्रॉब्लम होने पर। तो आप ये गैस देख रहे हैं, ये गैस मैंने मंगवाई है अमेजोन से ऑनलाइन, और ये गैस आई थी मेरे 10 तारीख को, वार था शनिवार, उस दिन ये गैस मेरे घर में आई थी। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छी गैस है, इसकी लाइफ टाइम वारंटी है, ऑन स्कॉट ग्लास है, इसके ग्लास की लाइफ टाइम वारंटी है। तो आप देखिए, मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और इधर देखिए, मैंने बर्तनों की भी शॉपिंग की थी उसी दिन, मेरे 10 तारीख को शनिवार के दिन ऑनलाइन गैस आई थी, उसी दिन मैंने ये बर्तनों की शॉपिंग की थी, क्योंकि मेरे किचन में काफ़ी बर्तन बिल्कुल ही, जैसे कढ़ाई वगैरह बिल्कुल ख़राब हो गई थी, काम में लेने के लिए बिल्कुल ही, वो यूज़ में लेने के लिए नहीं थी, इसलिए मैंने ये कढ़ाई वगैरह लेकर आई हूँ, शॉपिंग की है मैंने। और उन कढ़ाइयों के नीचे पिंदे हैं, वो बिल्कुल ही कमज़ोर हो गए थे, तो मुझे बहुत ही आवश्यकता थी, मैं किचन में खाना बनाती थी, मुझे बहुत परेशानी होती थी, इसलिए मैंने ये 4 कढ़ाई ली है। सबसे बड़ी
साइज में ली है। एक तो कि घर में कोई फंक्शन प्रोग्राम कुछ भी छोटा मोटा हो तो उसमें खाना बनाने में आसानी होती है, और उसके अलावा डेली यूज़ के हिसाब से मैंने 3 कढ़ाई मैं लेकर आई हूँ यूज़ लेने के लिए। और इधर मैं आपको ये दिखा रही हूँ चमचे, इनकी भी मुझे आवश्यकता थी तो ये भी मैं लेकर आई हूँ। और ये देखिए धामे, इनको क्या बोलते हैं मुझे इतना पता नहीं है, आप समझ जाना। तो ये भी मैं लेकर आई हूँ, इनकी भी मुझे बहुत ही आवश्यकता थी, और तो 3 लेकर आई हूँ मैं, ऐसे 3-4 लेकर आई हूँ, 4 लेकर आई हूँ ये। और ये दूध के लिए ढकने के लिए चलनी ये लेके आई हूँ, और ये खाना बनाते समय कढ़ाई में ढक्कन लगाने के लिए ये 3 लेकर आई हूँ मैं, छोटी साइज़ में बड़ी साइज़ में। और ये देखिए 3 में ये प्लेट लेकर आई हूँ, 5 खनवाली हमारे तीनों के लिए। इससे क्या है बर्तनों की भी बचत हो जाती है, और इसमें सारा खाना सर्व आसानी से सभी खाना सर्व कर सकते हैं। तो ये 3 लेकर आई हूँ, उनकी मुझे आवश्यकता थी। और इधर ये देखिए ये मैश करने के लिए लेकर आई हूँ मैं, जब कभी अपन पाव भाजी वगैरह बनाएं तो उस टाइम इसका आवश्यकता होती है, तो इसकी मुझे आवश्यकता थी इसलिए मैं लेकर आई हूँ। और ये देखिए चमचे, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। और ये देखिए कढ़ाई, एक तो ये लेकर आई हूँ मैं, ये कढ़ाई गोल में है ये, और बहुत ही अच्छी कढ़ाई है ये, मुझे पसंद आई इसलिए मैं लेके आ गई। और ये नॉर्मल छोटी कढ़ाई है, जो कभी थोड़ा मतलब ऐसे खाना बनाए उस टाइम उस हिसाब से मैं ये छोटी कढ़ाई लेकर आई हूँ। और इधर में ये नॉन स्टिक में नहीं है, ये फ्रूटूरा हॉकिंस कंपनी की कढ़ाई है ये, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। और ये देखिए ये इसके साथ में आए हैं, ये है फ्रूटूरा हॉकिंस कंपनी की, और 10 साल की इसकी गारंटी है, और ब्रांडेड चीज़ है और मजबूत चीज़ है, काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली चीज़ है ये, इसलिए ये बहुत ही अच्छी कढ़ाई है। तो ये लेकर आई हूँ मैं, एक तो ये मैं मीडियम साइज में लेकर आई हूँ, मतलब ज़्यादा छोटी भी नहीं है ये, और आसानी से आराम से 3-4 जनों का खाना इसमें आराम से बन जाता है। और इसमें थोड़ी बड़ी कढ़ाई मैं और लेकर आई हूँ, साथ में इसके ये ढक आया है, स्टील का है ये और बहुत ही अच्छा है। और जो मैंने आपको कढ़ाई दिखाई है वो मैं एल्यूमिनियम की कढ़ाई लेकर आई हूँ सभी। और एक ये है इसमें बड़ी साइज में है ये, 2 लेकर आई हूँ मैं ये। तो ये कढ़ाइयाँ बहुत ही अच्छी है, और इसमें खाना बहुत अच्छा मतलब बढ़िया बनता है, और नीचे बिल्कुल भी लगने की इसमें वो नहीं है, झंझट नहीं है कि कढ़ाई में नीचे खाना लग जाए या कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी लंबे समय तक ये चीज़ अच्छे से यूज़ में लेने वाली चीज़ है। हेलो एवरीवन, तो मैं एडिटिंग कर रही हूँ, और मेरा ये ब्लॉग काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो घर के काम में मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था एडिटिंग करने का। और अभी नवरात्रे भी चल रहे हैं, और घर के इतने काम इन सब चीज़ों में मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं एडिटिंग करके ये ब्लॉग अपलोड करूं। तो आज मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ, और इसको मैं अभी अपलोड करूँगी। हेलो एवरीवन, तो फ्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूँ, गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, और ऐसे जी भी बहुत ज़्यादा इस गर्मी के अंदर घबराता है, और कुछ ठंडा पीने का मन करता है, तो उसके लिए मैं लेकर आई हूँ ये माज़ा। तो 2 माज़ा लेकर आई हूँ मैं, ये 50 रुपीज़ की है दोनों, ये भी 50 रुपीज़ की है। और ये लेकर आई हूँ एक मैं मैरिंडा, ये 90 रुपए की है इसकी प्राइस है। तो ये लेकर आई हूँ फ्रेंड्स बच्चे के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, इस गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा मिल जाए तो उसकी बात ही अलग होती है, इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। तो आप भी घर में नींबू पानी बनाइए, पुदीना वगैरह इसकी लस्सी बनाइए, और
लस्सी वगैरह बनाइए, दही की लस्सी बना के पी सकते हैं, उसमें पुदीना वगैरह वो सब चीज़ें डाल के आप उसकी लस्सी पी सकते हैं गर्मी के अंदर। ये सब चीज़ें खानी चाहिए हमें गर्मी के टाइम में, और जो को गर्मी के अंदर बच्चों का ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जैसे हस्बैंड बाहर जाते हैं वो ड्यूटी करते हैं धूप में जाते हैं, तो मैं उनके लिए लस्सी छाछ वगैरह और पुदीने की लस्सी और नींबू पानी ये सब मैं उनको बना कर देती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने कल अचार बनाया है हरी मिर्ची का, और इसमें मैंने राई, मेथी, मोटी वाली सरसों आती है राई वो डाली है, मेथी और सौंफ, उनको मैंने अच्छे से रोस्ट किया, पहले थोड़ा हल्का रोस्ट कर लिया, फिर उसके बाद में उसको मैंने मिक्सी में दरदरा पीसा, उसमें मैंने डाला नमक स्वाद अनुसार, और उसके बाद में इसमें थोड़ी मैंने कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर वो डाला, और उसके बाद में मैंने इस ये मिर्ची है मोटी वाली मिर्ची है ये हरी मिर्ची, इसमें मैंने उस मसाले को भर दिया भरकर, और ये जो कांच की बाउल है इसके अंदर मैंने उसे सारी मिर्चियों को डाल दिया, और इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, उसे मैंने थोड़ा गर्म किया, ठंडा होने के बाद मैंने वो ऑयल मैंने इसमें डाल दिया, और ये देखिए हमारा अचार कल डाला है मैंने इसको शाम को, तो अभी आज भी नहीं एक दो दिन बाद में इसको खाने के लिए ये एकदम रेडी हो जाएगा, एक दो दिन बाद में इसको खाना स्टार्ट कर देंगे, और खाने में खाएंगे इसको। और क्या हुआ मुझे पता नहीं था, ये जो नीचे की कांच की बाउल है ये थोड़ी सी पता नहीं स्क्रेच है इसमें नीचे, तो मैंने इसको रख दिया था कल इधर, और ये देखिए इधर यहाँ पर इधर थोड़ा नीचे से तेल तेल इसमें निकला, ज़्यादा नहीं मतलब थोड़ा ही निकला है, तो मैंने इसको इस प्लेट के अंदर रख दिया, तो अभी तो मैंने डाल दिया है, फिर बाद में ये फिनिश हो जाएगा, फिर मैं इसमें नहीं डालूँगी, दूसरी बाउल मंगवाऊँगी कांच की। कांच की बाउल में क्या है अचार ख़राब नहीं होता है, काफ़ी टाइम तक वो आराम से चल जाता है, इसलिए तो इसको मैं साइड में कर दूँगी, अभी तो मैंने डाल दिया, इसको निकाल भी नहीं सकते, ज़्यादा नहीं निकल रहा है, नॉर्मल ही थोड़ा थोड़ा तेल इसमें नीचे आ रहा है बस, तो ये अचार डाला है मैंने। और गर्मी के हिसाब से बच्चे के लिए ये ग्लूकॉन डी मंगवाया है, ये नींबू का फ्लेवर इसके अंदर, तो गर्मी के लिए बच्चों के लिए ये बड़े भी ले सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है, आप अपने बच्चों को ये दे सकते हैं गर्मी में, ग्लूकॉन डी पीना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स।